हेलो गाइस, आज हम इसमें रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। बेसिकली रीजनिंग के एक टॉपिक मिसिंग नंबर से हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और लगभग सारे ही एग्ज़ाम में ऐसे पैटर्न आते हैं, मतलब ये सारे मिसिंग नंबर से क्वेश्चन आते हैं। अगर इस पर हमारी अच्छे से प्रैक्टिस ना हुई रहे तो ऐसे क्वेश्चन बच्चे छोड़ भी देते हैं। हालांकि इसमें बहुत सारे ऑपरेशन फॉलो होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन और स्क्वायर एंड क्यूब हम ले सकते हैं, स्क्वायर रूट एंड क्यूब, ये सारी चीज़ें इसमें बेसिकली बहुत सारी चीज़ें फॉलो होती हैं। तो वन बाय वन करके हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और जो जो रूल्स आपको यूनिक लगे आप उसे नोट करते चलिएगा, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि इसमें देखो, इसमें हमें मिसिंग नंबर ये क्वेश्चन मार्क जो लगा इसे हमें फिल करना है। देखिए वैसे क्वेश्चन में चाहे हम इधर से चले, देखो मिड में लगा है, ठीक है, लगभग मिड में ये इधर से तीन वैल्यू इधर से दो वैल्यू है, चाहे हम इधर से चले चाहे हम इधर से चले बात अगर एक ही पड़ जाएगी, ठीक है, बात एक ही पड़ेगी। वैसे देखो हमारे लिए इजी हो जाता है अगर हम छोटे नंबर की तरफ से चलते हैं। और देखो पहली बात तो डिफरेंस हम देख लेंगे, यहाँ पे देखो 5000 है एंड यहाँ पे डायरेक्टली 900 आ गया है, तो मतलब कि इसमें कुछ जरूर डिवाइड हो रहा है क्योंकि गैप इतना ज़्यादा हो जा रहा है, डिफरेंस इतना ज़्यादा हो जा रहा है। अगर हम इधर की तरफ से देखेंगे 8 की तरफ से तो देखेंगे ये मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है। और हमारी सडनली क्योंकि छोटा नंबर है हमारी नज़र जाएगी, देखो कि ये इसका डबल हो जा रहा है, मतलब 8 to 16 होता है, ठीक है, 8 to 16 यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन 2 हो रहा है। ऐसे हम दो तीन टर्म में फॉलो करवाएंगे, अगर वो रूल फॉलो हो गया मतलब कि वही पैटर्न फॉलो हो रहा है इस तो हमारा 8 का डबल हो जा रहा है, 8 का डबल हमारा हो जा रहा है 16, ओके 16 हो जा रहा है। एंड 16 का देखो क्या हो रहा है, 16 का डबल तो हो नहीं रहा, यहाँ पे ट्रिपल हो रहा है, ठीक है, यानी कि पैटर्न हमें समझ में आ गया, दो टर्म तक फॉलो हो गया, यानी कि 8 2 जा यहाँ पे इंटू 2 हो रहा है, यहाँ पे इंटू 3 हो रहा है, तो नेक्स्ट हमारा क्या होगा, इंटू 4 होगा, यानी कि 48 into 4, तो 48 into 4 करेंगे हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ओके 192 आ जाएगा, ठीक है, 193 आ जाएगा हमारा, सॉरी 192 आ जाएगा। एंड 192 यहाँ पे इंटू 4 हुआ था, तो 192 में हम 5 करेंगे तो हमारे ये आ गया, यानी कि हमारे यही पैटर्न यहाँ पे हमारा यही फॉलो हो रहा है, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 4, 5। अब यही सेम चीज़ अगर हम इधर से चलते तो इधर से देखो हमें पता चलता है कि कुछ ना कुछ डिवाइड हो रहा है, तो इधर से चलना हमारे लिए ईजी पड़ गया। अगर हम इधर से चलते तो पहले 6 से इसको डिवाइड करते, तो 5760 को हम 6 से डिवाइड करते तो हमारा कितना आ जाता, 960 आ जाता। उसके बाद 960 को हम 5 से डिवाइड करते हमारा कितना आ जाता, 192 आ जाता, 192 को हम 4 से करते हमारा कितना आता, 48 को हम 3 से करते हमारा कितना आता, 16 को हम 2 से करते हमारा कितना आता, 8। तो हमारा यही पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1 है 2 है 6 7 21 22, और हमारा ये मिसिंग टर्म को हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे। अब देखो एक चीज़ हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे, 1 2 and 6 7 एंड 21 22, एक एक टर्म को देखो, इसके बीच का एक एक टर्म को छोड़ करके अगर हम देखें तो एक के बाद मतलब प्लस वन करके आ रहा है, यानी कि 1 में हम प्लस वन किए हैं 2 आ गया है, एंड 6 में प्लस वन किए हैं हमारा 7 आ गया है, 21 में किए हैं प्लस वन 22 आ गया है, एंड 66 में हम प्लस वन किए हैं हमारा 67 आ गया है। तो यानी यहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, एक तो पैटर्न हमें समझ में आ गया कि प्लस वन हो रहा है, अल्टरनेट प्लस वन हो रहा है हमारा। उसके बाद हम इंटू 3 किए हैं, देखो प्लस वन इंटू 3 तो कितना आ गया हमारा, 6 आ गया। अब इसमें हम प्लस वन किए हैं इंटू 3 किए हैं हमारा क्या आ गया, 21 आ गया, 7 3 21। अब प्लस 1 हम इसमें फिर किए 22 आ गया, एंड 22 3 67 आ गया, एंड फिर हम 66 में प्लस 1 किए हमारा 67 आया, इंटू 3 कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा, 7 3 21 1 2 and 3 6 यह आ जाएगा हमारा 102, ठीक है 102। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें समझ में आ गया क्या कि प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 ये पैटर्न हमारा चल रहा है इसमें, प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3 ये पैटर्न हमारा चल रहा है। नेक्स्ट में देखेंगे हमारा क्या हो रहा है, नेक्स्ट हमारा है 48 24 96 48 192। अब देखो आपका तो नहीं पता लेकिन ये क्वेश्चन देखते ही देखो पता चल जा रहा है कि 24 का डबल है 48, ठीक है, इतना हमें समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन देखते ही। तो यानी कि इससे डिवाइड हुआ है ये 2 से, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करें या फिर 48 को 2 से डिवाइड करें, बात एक ही पड़ जाएगी। अब 24 को जो है इसमें हम पहले 2 से 48 को डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 24। अब 24 को हम क्या करेंगे, 24 में देखो इंटू क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाइड बाय, पहले हम डिवाइड 2 से किए हैं उसके बाद मल्टीप्लाई किए हैं 4 से, 96 हमारा आ गया है, फिर से हम इसको 96 को 2 से डिवाइड किए हैं हमारा कितना आ गया है 48। अब 48 को हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से हमारा कितना आ जाएगा 92 को। अब पैटर्न हमारा क्या है, पहले हमारा पैटर्न चल रहा है डिवाइडेड बाई 2 उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4। तो अब हमारा कौन सा टर्म आया है, अब हमारा टर्म आया है यहाँ पे डिवाइड हुआ, यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे अब मल्टीप्लाई, यानी कि अब हम जो है इतना ज़्यादा
यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड कर लिया, फिर इससे उसको मल्टीप्लाई कर लिया 4 से, फिर इसके बाद 24 को हमने क्या किया, मतलब 96 को हमने फिर से डिवाइड किया एंड 48 को हमने फिर से 4 से मल्टीप्लाई किया एंड उसके बाद हम डिवाइड करेंगे तो 2, 9 एंड 96, उसके बाद हमारा ये आ जाएगा 192 / 2 = 96। अगला हम अपना देखते हैं, इसमें ज़्यादा इजी पैटर्न नहीं है तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है। अगला हमारा क्या है, 1, 2, 3, 6, 9, ठीक है। अब अगले में देखो, अब अगले में लग रहा हो यहाँ तक तो ये लगातार चल रहा है, उसके बाद 6 आ गया, उसके बाद देखो 3 का गैप आ गया, मतलब थोड़ा सा पैटर्न में कुछ कुछ समझ में आ रहा है लेकिन देखो थोड़ा सा मिसिंग भी है, ठीक है। अब यहाँ पे पैटर्न ये फॉलो हो रहा है, पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं। अब उसके बाद हमें 3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 लाने के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, मतलब पहले हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, उसके बाद हम इंटू किए हैं 3/2 से, ठीक है। अगर ये पैटर्न आगे फॉलो हो गया तो मतलब हमारा पैटर्न सही है। अब देखो यहाँ पे 2 इंटू, पहले हमने मल्टीप्लाइड बाई 2 किया, फिर उसके बाद हम ले लिए 2 को, 2 इंटू, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारा ओनली 3 बच रहा है, ठीक है। अब 3 को हम देखो फिर से डबल कर दिए, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा क्या आ गया 6 आ गया, 3 2 6 एंड 6 को अगेन हम 3/2 से डिवाइड कर, मतलब मल्टीप्लाई कर दिए, तो 3 यहाँ पे 3 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, मतलब ये पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब 9 आ गया, फिर 9 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया गया, हमारा क्या आ गया 18, अब 18 को हम फिर से 3/2 से कर देंगे, तो करेंगे 9 आ जाएगा, 27 हमारा आना चाहिए, ठीक है। इसमें हमारा क्या आना चाहिए, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 से, तो यहाँ से 9 आ जाएगा, 9 3 27 27, ये है हमारा ऑप्शन, ठीक है। अगला चलते हैं, अगला हमारा क्या है, 165, तो 165 195, यहाँ पे देखो 5 5 सब में कॉमन आ रहा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं है और लेकिन बहुत कम गैप भी नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम कुछ कॉमन लेने की सोचते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम चाहे 5 को कॉमन लें, अभी हम अपना देख रहे हैं कौन सा पैटर्न फॉलो होगा, चाहे हम 5 को कॉमन लें, लेकिन हमें दिख रहा है कि इसमें 15 कॉमन आ रहा है सीधे सीधे, ठीक है, 15 कॉमन आ जा रहा है इसमें, तो यहाँ पे 15 सब में कॉमन अगर हम निकाल लेंगे, उसके बाद ईच नंबर ऑफ द सीरीज इज मल्टीप्लाइड बाई 15, मतलब यहाँ पे 15 15 को अगर हम कॉमन ले लेंगे, सीरीज इज 15 मल्टीप्लाइड बाई ए प्राइम नंबर, तो 15 × 11 करेंगे, उसके बाद 15 × 13 करेंगे, हम एक में फॉलो करवा लेते हैं, 15 × 11 क्या होता है हमारा 165 एंड 15 × 13 हमारा क्या होता है 195, यानी कि हमारा ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब हम 15 × 15 भी करेंगे, तो 15 का स्क्वायर आपको पता है, 15 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 225, तो ये हमें एकदम ही लग गया, ये सही है। अभी अब देखो, अभी हमें ये नहीं पता है कि ऑड ऑड चल रहा है कि प्राइम नंबर चल रहा है, हालांकि मैंने आपको पहले बता दिया लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा। तो हम अगर 15 × 17 करेंगे, अभी हमारे 17 ऑड भी है और अभी कॉन्सिक्यूटिव चल भी रहा है और उसके बाद प्राइम नंबर भी है, तो प्राइम नंबर भी है तो हम देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो आ जाएगा हमारा 285 15 × 17, उसके बाद 15 × 19 हमारा आ रहा है, अभी तक देखो सारे कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर ही चल रहे हैं, तो हमारा आ जा रहा है 19, तो 15 × 19 हमारा 345 आ जाएगा। उसके बाद अब 19 के बाद होना चाहिए हमारा 21, लेकिन 21 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 3 से डिवाइडेड होगा, प्राइम नंबर नहीं है, 7 से भी होगा तो ये प्राइम नंबर नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। ऑप्शन में हमें ना दिखे तो हमें 23 से करना पड़ेगा, जो कि हमें 20, यहाँ पे मैंने जैसे पहले ही बता दिया, यहाँ पे हम प्राइम नंबर ले रहे हैं, तो 15 × 23 अगला प्राइम नंबर हमारा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 435 435 हमारा ऑप्शन में है, ये है हमारा ऑप्शन में, ओके। अगला देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा है 9 27 9 27 31 155 161 1127 एंड क्वेश्चन मार्क। तो इसमें देखो हमें देखने से थोड़ा सा हमें, हालांकि ये पैटर्न हमारा टफ है जो ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है इसमें, लेकिन थोड़ा सा हमें ये 9 एंड 27 को देखने के बाद ये स्टार्टिंग के 3 से हमें थोड़ा सा पैटर्न का पता चल जाएगा, क्योंकि इंटू 3 हो रहा है एंड प्लस उसके बाद 4 हो रहा है। अगर यही पैटर्न हमारा आगे भी फॉलो हो जाए तो समझ लो हम सही पैटर्न पा गए हैं, तो ठीक है हम आगे इसको देखते हैं। अब 31 में हमें क्या करना था, इंटू 3 करेंगे हम, 31 × 3 + 4 करेंगे अगला पैटर्न के लिए, मतलब ये प्लस 4 तो यहाँ पे कर ही दिए हैं, पहले हम 31 × 3 करेंगे, 31 × 3 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, नहीं गाइस इसमें ये फॉलो नहीं हो रहा है, 31 3 करेंगे, 31 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 3 9, जो कि नहीं है हमारा, ये पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा है इसमें। इसमें हमारा देखो, अब हमें ये पैटर्न हमारा फॉलो हो गया है इसमें, इंटू थ्री प्लस फोर, यानी कि 9 3 27 एंड 27 में हम प्लस 4 किए हैं, हमारा मिल गया 31, ये इतना फॉलो हो रहा है, यानी कि आगे अब हमारा क्या फॉलो होगा, आगे हम एक तो ये करके देख लिया इंटू 3, ये पैटर्न सेम फॉलो करवा लिया, नहीं हो रहा है। अब अगला हम क्या करके देखेंगे, इंटू 4, एक इससे ज़्यादा बढ़ा लेंगे, इंटू 4 प्लस 5 ये भी ले लेंगे, हालांकि ये भी फॉलो नहीं हो रहा है, तो अगला हम क्या लेंगे, इंटू 5 प्लस, इसमें मैंने 2 बढ़ाया तो इसमें भी हम 2 बढ़ा कर लेंगे, 4 + 2 = 6 इंटू 5, यानी कि हमारा सिंपल सा मतलब आगे हमें पैटर्न ये पता चला जो कि फॉलो करेगा हमारा, इंटू 3
प्लस फोर था, अगले में हमारा है इंटू फाइव प्लस सिक्स, ठीक है, जो कि फॉलो कर रहा है यहाँ पे। 31 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, 31 इंटू 5 करेंगे तो हमारा आएगा 155, एंड उसमें फिर प्लस करेंगे हमारा आ जाएगा 161। अब अगले में हमारा क्या पैटर्न है, इसमें हम प्लस 2 किए थे तो अगला भी हमें मतलब यानी कि इंटू 7 प्लस 8 करना रहेगा। तो इंटू 7 161 को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1127, एंड 1127 में हम 8 ऐड करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, 1127 में 8 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1135, जो कि ऑप्शन में हमारा कहाँ है 1135, ये है हमारा ऑप्शन में, ठीक है। अगला देखते हैं, ये पैटर्न थोड़ा टफ था, पैटर्न क्या फॉलो हुआ, इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 7 प्लस 8, ऐसे हमारा आगे भी बढ़ रहा था। अगला हमारा क्या है, 2335। अब देखो ऐसे दो डिजिट हमें सेम मिल गया तो मतलब हमें कहीं ना कहीं लग रहा है इंटू 1 का पैटर्न चल रहा है, तो यानी कि प्लस 1 इंटू 1, ठीक है। अब आगे भी हम देखेंगे प्लस 1 इंटू 1 हमारा आगे चल रहा था, हम आगे फॉलो करवाएंगे। अब आगे इंटू 1 का तो कॉन्सेप्ट है नहीं, तो हम इससे आगे बढ़ जाएंगे यानी कि प्लस 2 इंटू 2 करेंगे, देखेंगे फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखो 3 में 2 करेंगे 5 हो जाएगा, 5 2 10, यानी कि यहाँ तक तो फॉलो हो रहा है। अब अगला हम देखेंगे प्लस 3 इंटू 3 कर लेंगे, तो अगला हम देखेंगे प्लस 3 सही हो रहा है, 13 3 39, ठीक है 39, तो 39 हमारा ऑप्शन है भी ये, यानी कि ये फॉलो हो रहा है। तो हमारा इसमें पैटर्न क्या था, प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 एंड प्लस 4 प्लस 4 इंटू 4 एंड प्लस 5 सॉरी प्लस 5 इंटू 5, ये पैटर्न हमारा मतलब एक एक बढ़ा करके मल्टीप्लाई प्लस, ये हमारा फॉलो हो रहा था। अगला हमारा है 315 क्वेश्चन मार्क 63 99 143, ये हमारा, ठीक है ये हमारा अगला है। इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, इसमें हम देखो इसमें हमें देखो वैसे देखने से मल्टीप्लीकेशन एडिशन से हमें पता नहीं चल रहा है, इसमें हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला थोड़ा सा देखते हैं, मतलब स्क्वायर का पैटर्न थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ हमारा जो 3 है इसको हम 2 का स्क्वायर माइनस 1 कह सकते हैं, ठीक है 2 का स्क्वायर माइनस 1 कह सकते हैं। अब 3 का स्क्वायर 9 होगा और 9 माइनस 1 8 हो जाएगा, 8 तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यानी कि हम इवन इवन चलेंगे। ओके पहला हमारा फॉलो हो गया, अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, 4 का स्क्वायर माइनस 1 जो कि 15 होगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 15, जो कि फॉलो कर रहा है। तो हमें अब थोड़ा सा पता चल गया कि कहीं ना कहीं इवन का कॉन्सेप्ट चल रहा है, इवन का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 1 फिर 4 का स्क्वायर माइनस 1। अब अगले में हम क्या करेंगे, अगले में हम करेंगे 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 स्क्वायर हमारा हो गया 36 एंड माइनस 1 हम करेंगे हमारा 35, जो कि ऑप्शन में है। अगला हम अपना डाउट क्लियर करने के लिए अगला भी एक पैटर्न तक फॉलो कर लेंगे, 3-4 तक हम चेक कर लेते हैं, उसके बाद ज़्यादा जरूरी नहीं है कि हम सारा चेक करेंगे, ठीक है। तो हमारा 6 का आ जाएगा, 6 का क्या हो जाता है, 6 का हमने कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो अगला हमारा होगा क्या, 8 होगा, 8 का स्क्वायर माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा 63, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 एंड माइनस 1, एंड अगला हमारा 10 का हो जाएगा 100 माइनस 1, देख ही रहे हैं आप 99, तो ये हमारा पैटर्न फॉलो हो गया, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें हालांकि ज़्यादा कॉमन पैटर्न नहीं थे, तो सारे ईच एंड एवरी पैटर्न आर इम्पॉर्टेंट। ओके सो यहाँ पे द टर्म ऑफ द गिवन सीरीज आर, यहाँ पे क्या था, स्क्वायर माइनस 1, इवन नंबर स्क्वायर माइनस 1, ये इस वाले क्वेश्चन में था, ठीक है। अब हम अगले सेशन मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ, तब तक आप ये रिवाइज करिए। थैंक यू गाइस, इफ यू लाइक दिस सेशन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।